नमस्कार दर्शक बंधु, मुँ संजय कुमार दास। मैं उड़ीसा से हूँ, बालेश्वर से। मैं भारत फार्मिंग से कांटेक्ट किया था राहुल जी से। राहुल जी को प्रथम मेरा प्रणाम। और राहुल जी से मेरा बातचीत हुआ था कम से कम 3 महीने के अंदर, लॉकडाउन के पहले बात हुआ था। उसके बाद मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट में हुआ। रहने के बाद वो मेरे को सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी ने दिया था। ट्रेनिंग लेके मैंने आया था। आने के बाद इधर मैं उड़ीसा में स्टार्ट किया हूँ। बालेश्वर में उड़ीसा का पहले इधर का है। उड़ीसा में कोई आदमी अभी तक किया नहीं, उसको उड़ीसा का पहला आदमी मैं हूँ। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, इसके बायोफ्लॉग नाम से। मैं दूसरा भी कल्चर करता हूँ, मतलब मछली का कल्चर करता हूँ। जो बायोफ्लॉग का टंकी में जो मछली का पालन होता है, उसी में मेरा कल्चर रहता है। अभी करने के बाद मेरा इधर का मेरे क्या कि खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा चलता है, इसलिए थोड़ा बारिश का सीजन में हमारे इधर खेती नहीं होता है। इसलिए मैं जो इंटरनेट में देखा था, यूट्यूब में देखा था, भारत फार्मिंग का राहुल जी को देखा था, उसको देख के मेरे को सब कुछ समझ आस्ते आस्ते आ गया था। उसके बाद मैं राहुल जी से कॉन्टैक्ट किया था। कॉन्टैक्ट करने के बाद मैं उनके पास गया। जाने के बाद उसका आपका उधर 2-3 दिन रहा था उसके पास। रहने के बाद राहुल जी के पास वो ट्रेनिंग वगैरह भी मेरे को दिया था। वो अच्छे तरह से मेरे को ट्रेनिंग दे, अभी तक वो गाइड भी मेरे को कर रहे हैं। यदि कोई आदमी ट्रेनिंग वगैरह भी लेने का चाहता है, वो राहुल जी से आप बात करके कॉन्टैक्ट करके वो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो अच्छा ट्रेनर है। वो मतलब वो क्या है कि वो फार्मिंग का डिप्लोमा वो किया था, इसलिए वो अच्छा तरह से समझ जाए वो क्या कैसे होता है नहीं होता है, वो सब सारे कुछ समझ जाए। तो मेरा क्या है कि अभी सारा सेटअप हो गया, कंप्लीट वगैरह हो गया मेरा। देखिए अभी सारा लगा दिया, मतलब पाइप में तो 40 पाइप में मैं आरम्भ किया हूँ। और मेरा देखिए कम से कम 1200 से 1500 पौधा अभी लगा दिया हूँ मैंने किया हूँ। कुकुम्बर किया हूँ और शिमला मिर्च, आपका केरला और आपका टोमाटो, चेरी टमाटो, ऐसे ज़्यादा मैं सब कुछ सामान लगा दिया हूँ। अभी कम से कम आप देख सकते मेरा पौधे भी कितना अभी लंबा हो गया, कम से कम 7-8 इंच का हो गया। अभी अभी कोई कोई पौधे में फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया, अभी मैं दिखा सकता हूँ फ्लावरिंग कैसे आता है। अभी देख लीजिए, अभी मेरा रूट्स जो है वो रूट्स निकले है। अभी मैं एक मैंने कपड़ा दिया था जो पानी खींचने के लिए वो अच्छा। अभी देखिए अच्छा तरह देख रहे हो, अभी ग्रीन कलर आ रहे। अभी उसका थोड़ा थोड़ा फ्रूट, मतलब फ्रूट व फ्लावरिंग आने के लिए स्टार्ट हो गया। और अभी भी एक दो भी फ्रूट लग रहे। और उसको अच्छा तरह से रखना है, रूट्स डैमेज नहीं होना चाहिए, इसे थोड़ा सा ध्यान से रखना चाहिए। अभी देख लीजिए मेरा सामान सब कुछ सेटअप हो गया। अभी न्यूट्रिशन, अभी मैं उसको 300-400 तक न्यूट्रिशन अभी राहुल जी करने के बाद दे रहा हूँ। अभी किस दिन मेरा मैंने लग गया था कीट पतंग जैसे लग गया था मेरा, और राहुल जी से बात हुआ, वो मेरे को मेडिसिन बताया और नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ। तो मेरा करने का मतलब राहुल जी अच्छा ट्रेनिंग भी देते हैं, अच्छा सब कुछ भी आदमी को सपोर्ट वगैरह भी करते हैं। यदि कोई भी ट्रेनिंग वगैरह भी लेना चाहते हैं तो राहुल जी से आप ले सकते हैं। अभी देखिए मैं रस्सी से और अभी कैन से उसको बांधा हूँ, जो कि मेरा कुकुम्बर उस इसी में जाएगा, इसलिए मैं उसको सारा सेटअप कर दिया हूँ। अभी गो बैग में मैं और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, वो गो बैग में मैं लगा हूँ ब्लैक कलर का जो गो बैग आता है, उसमें मैं न्यूट्रिशन नहीं दूँगा। क्योंकि इधर क्या है कि मैं कंपोस्ट, मतलब वो जो कॉकोपीट का कंपोस्ट आता है, वो कंपोस्ट में मैं उसको लगाई हूँ, न्यूट्रिशन नहीं दूंगा। दूसरा बात, जब मेरा इसका प्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद जो कॉकोपीट रहेगा उसमें न्यूट्रिशन देके मैं चलाऊंगा। आप भी देख सकते हैं मेरा जो सीडलिंग ट्रे में जो सीड डाला था वो कैसे अच्छा तरह से हो रहा है, आप देख सकते अभी अच्छा तरह से वो हो गया है, वो लगाने के लिए हो गया। कम से कम 4 से 5 इंच उसका हाइट हो गया, अभी लगा रहा हूँ मैंने, अच्छा तरह से हो रहा है। मेरा सारे टमाटो और कुकुम्बर और शिमला मिर्च सारे हो गया, टोटल सामान हो रहा है। अभी क्या कि आप देख सकते हैं मेरे ग्रीन नेट के बारे में लगाऊँ, मैं तो पहले वो बताया था, क्योंकि हमारे इधर ग्रीन नेट वाइट का ग्रीन नेट नहीं मिलता है ना, इसलिए मैं उसको ग्रीन का लगा दिया हूँ, सेनेट लगा दिया हूँ। तो मेरा आदमी से बात हुआ था, वो भी मेरे को भी भेजेंगे। तो व्हाइट कलर का जो आता है सैनेट, उसको भी वो भेजेंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे को बहुत कॉपरेटिव करते हैं, कैसे होगा नहीं होगा देखते हैं। अभी देख सकते हैं, अभी मेरा टमाटर का जो लगा है टमाटर अभी अच्छे से तरह से आ गया है और ड्रेनेज सिस्टम भी मेरा अभी अच्छे तरह से हो रहा है। अभी देख सकते हैं, इधर दिखा दीजिए, तो दूसरा अभी मैं आपको मेरा जो बायोफ्लो का टंकी है उसको आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा आइए, अभी दिखाऊंगा आपको बायोफ्लो का टंकी दिखाऊंगा। तो सर्वप्रथम मेरे को मैं आप लोग को बोल देता हूँ, यदि कोई मछली पालन करना चाहता है तो मेरे साथ भी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं उधर जाऊँगा, राहुल जी से बात हो गया और उधर भी राहुल जी भी मछली का पालन भी अभी करेंगे और उसको मैं सपोर्ट भी करूँगा। यदि कोई मेरा दोस्त व कोई फार्मर यदि कनेक्ट भी चाहते हो तो मेरा साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राहुल जी से भी कांटेक्ट करते, मैं राहुल जी के पास जाऊंगा, उधर ट्रेनिंग वगैरह भी यदि कोई आदमी लेगा तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फ़ोन से भी बात होगा। और टोटल यदि कोई फार्मर यदि करने का चाहते हो तो राहुल जी से आप बात करके भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, राहुल जी अच्छा से समझ आता है सब, क्या कैसे होगा नहीं होगा वो सारा बात हमको बुझाता है, समझ आता है। तो अभी चलिए मेरा जो बायोफ्लो का सेटअप है वो आप लोग को दिखाऊंगा कैसे तरह से वो है, को मेरा सेटअप भी दिखाऊंगा। मेरा भी चैनल है, आप देख सकते हैं एसके बायोफ्लो नाम से मेरा चैनल है, एसके बायोफ्लो फिश फार्मिंग बालेश्वर उड़ीसा नाम से मेरा चैनल है। तो अभी देखिए मेरा सेटअप बायोफ्लो का टंकी लगा है, मछली पालन हो रहा है, अभी आप लोग को दिखाऊंगा मछली कैसे, अभी मैं पंगास मछली का